अरेबियन पेनिनसुला के 90% हिस्से में रेगिस्तान है, लेकिन ओमान के इस कोने में कुछ खास है जहाँ जंगल, पानी, पौधे है। तो इस रेगिस्तान के बीच में ये जगह आखिर कैसी बनी? तो सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये 3 महीने के लिए रहती है और फिर गायब हो जाती है, लेकिन कैसे? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। अरेबियन के बारे में जब आप गहरे से देखते हो तो आपको पता चलता है कि एक मोस्टली रेगिस्तान है, लेकिन एक छोटी सी जगह है पेनिनसुला जिसके निचले हिस्से में एक जंगल है। और यह कोई थीम पार्क नहीं है बल्कि एक असली नेचर है। यहाँ दो खास वजह है जिसकी वजह से यह जंगल बनी है, पहली है तूफान और दूसरी पहाड़। हर साल यहाँ तूफान आते है जिसे मानसून कहते है। यह तूफान कई जगहों को प्रभावित करते है जैसे कि हमारे भारत और साउथ एशिया के कुछ भागों को। और जब ये मानसून ओमान के इस कोने में पहुंच जाते हैं तो कुछ खास होता है। पहाड़ ये तूफान पकड़ लेते हैं और सारा पानी एक साल 3 महीनों के लिए बरसाते है जिससे वाटरफॉल, पेड़, घास सब कुछ बन जाता है, लेकिन ये सिर्फ 3 महीनों तक होता है और फिर बाद में यह जगह पहले जैसे रेगिस्तान में बदल जाती है। हाँ, सिर्फ 3 महीनों के लिए और सारा कुछ घास, पेड़ अमेज़न की तरह लगता है और फिर साल के बाकी समय ये रेगिस्तान जैसे होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मानसून खत्म हो जाता है और फिर वहाँ का मौसम फिर से सूखा हो जाता है और ये जंगल गायब हो जाता है। ओमान सच में एक दिलचस्प जगह है जहाँ रेगिस्तान के साथ साथ 3 महीनों के लिए जंगल भी देखने को मिलता है। दुनिया के कई हिस्से हरे होते हैं क्योंकि हमारे पास बड़े तूफान है जैसे कि मानसून, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ जाता है और मानसून के पैटर्न बिगड़ जाते हैं तो हो सकता है कि ओमान का ये जंगल हमेशा के लिए गायब भी हो जाए। इस जगह ने हमें दिखाया कि जब हमें सही मौसम मिलता है तो क्या हो सकता है। हमें इस धरती का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सब इस स्वर्ग का आनंद उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।